शराब दुकानें भले ही सरकार के लिए एक रेवेन्यू का जरिया हो, लेकिन शराब दुकानों और शराबियों से आम जनता परेशान है। सिंगरौली में रहवासी इलाके में शराब दुकान खुलने की वजह से रहवासियों की जिंदगी नरक बन गई है। आबकारी विभाग की मनमानी के चलते रहवासी इलाके में आम जनता तो परेशान है ही, साथ ही बच्चों पर इसका अच्छा खासा बुरा असर हो रहा है। मिढौली के रहवासी क्षेत्र के वार्ड 3 में शराब दुकान संचालित होने से लोगों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आर्या ग्रुप द्वारा संचालित इस दुकान को चलाने का ठेका जब से आबकारी विभाग ने रिहायशी इलाके में दिया है, तब से यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार असुरक्षा और भय के साए में जी रहे हैं। एक ओर जहां इस शराब दुकान से आसपास रहने वाले परिवार तंग हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस दुकान के बगल में ही यूनियन बैंक, पोस्ट ऑफिस, मंदिर, मस्जिद भी मौजूद हैं, जिससे इन सभी में भी भय का माहौल है। शराब दुकान के आसपास ठेले पर भी अपनी अपनी दुकानों से शराब पिलाते हैं और पूरे रास्ते को जाम कर लेते हैं, जिससे लोगों का आवागमन बाधित है। ये है पूरी फैमिली मोहल्ला, यहाँ एक ने 2500 फैमिली है आपके आजू बाजू। ये देख रहे हैं ना आप, कैमरा घुमा के देख लीजिए, आप अपने पीछे देख लीजिए, डेली माँ बहन सुनते हैं। सुबह जैसे होगा माँ बहन से शुरू हो जाएगा। यहाँ पीपी के गिरे रहते हैं, बच बचा के आदमी जाता है, गाली सुनता है, किसको बोलने जाएगा। चाहते तो यही है कि हट जाए यहाँ से, परेशानियाँ खूब है। रोज लोग दारू पीते, गाली गलौज करते हैं, यही परेशानियां हैं सब। शराब दुकान से हो रही परेशानियों को देखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन से इस दुकान को दूर हटाने की मांग की है। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, सुबह से शाम तक यहां पे जो है महिलाएं बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कहां कहां के लोग आते हैं शराब पीने। छोटे छोटे बच्चे आए दिन, अंकल देखिए अंकल वो ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, और फिर शाम को यहाँ पे अभी तो ये टाइम में एक आध घंटे बाद अभी देखिए एक दो ठेले आ गए, यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाएगी कि लोग दारू लेके चौराहे पे आके पीना चालू कर देंगे। सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे तमाम रहवासी लोग यहाँ रहते हैं और बैंक बगल में है, और मार्केट के समय में सारे लोग का आना जाना रहता है। इस जगह पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शराब की दुकान होने से महिलाओं का आना जाना रहता है, आए दिन लोग शराब पी के और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।